हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चीज़ स्टफ्ड एग बॉल्स। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 बॉइल्ड एग्स ग्रेटेड। यहाँ पे मैंने इसका येलो पार्ट हटा दिया है। 2 फ्रेश ब्रेड्स का ब्रेड क्रम्ब, 4 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़, मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज़ यूज़ किया है, 2 टीस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 छोटा अनियन बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, ऑल फॉर फ्राइंग। सीजनिंग के लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ एक मिक्सिंग बाउल मैंने लिया है और इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मैं डालूंगी। ग्रेटेड एग्स डाल दिया, अब इसमें ये वाला ब्रेड क्रम ये डाल दूंगी, अब इसे डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इसमें डाल देंगे चॉप्ड अनियन और ये जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं इसे डाल देंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँ, इसे हाथ से मिक्स करना है अच्छे से, इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि ये बिल्कुल ऐसे यू बन जाए। अब मैं इसके अंदर चीज स्टफ करूँगी, इसे ऐसे यहाँ रख दिया मैंने, चीज डाल के चीज अच्छे से इसको फिल करना है, चीज स्टफ करके इसे अच्छे से मैंने बॉल बना लिया। यहाँ मैंने सबका बॉल बना लिया है, अंदर से मैंने सबके चीज स्टफ कर दिया है। अब मैं ये जो बॉल्स बनाया है मैं इसे रैप करूँगी, बॉल्स को ऊपर से कोट करने के लिए और उसके बाद फ्राई करूँगी मैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा पानी डाल के मैंने ये बॉल तैयार कर लिया है। इसमें हल्का सा मैं सॉल्ट डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ मैंने लिया है फूड कलर जो कि बहुत ऑप्शनल है, आपको मन है आप डालिए, नहीं मन है मत डालिए। मैं यहाँ डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सुंदर कलर आए, आप भी थोड़ा डाल दीजिएगा। और ये ड्राई ब्रेड क्रम्स लिया है मैंने। अब बॉल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ कढ़ाई में ऑयल डालना है और ऑयल को थोड़ा गर्म करना है। अब सभी बॉल को एक एक करके इस बैटर में डिप करके अच्छे से कोट करके, ये देखिए अच्छे से मैंने कोट कर लिया। अब इसे मैं ब्रेड क्रम्प में अच्छे से, ये अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्प कोटिंग हो जाए, सभी बॉल्स को मैं रिपीट करूँगी सेम वे में। ये लीजिए, हो गए सारे बॉल्स रेडी, ऑयल भी यहाँ पे गर्म हो गया। अब मैं एक एक करके इन बॉल्स को फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। एक चीज़ का ध्यान रहे, इसे हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है, अब ये हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ एक एक करके मैं सभी बॉल्स को फ्राई कर रही हूँ, ये हो रहा है, अब इसे मैं निकाल लूँगी।
ये हमारा चीज़ बॉल्स बनके तैयार है। ये रहा हमारा चीज़ स्टफ्ड एग बॉल्स।